दी है, ये उसका कसूर है। मेरी बात सुने, बारूदी सुरंगे बिछाई इमरान खान ने तो ना आते क्या करने आते, जिसने बिछाई थी वो खुद ही भुगतता, वो खुद ही चलाता इस माशियत को। चलाने के लिए उनको पता था, पूरम दस्तगीर ने बोला कि दिसंबर तक सफाया योजना का दाखिल कर देना था। 15 साल इमरान खान की हुकूमत चलनी थी, इसलिए इन लोगों ने उतारा। इन लोगों को जल्दी थी कि हम लोग अपने केसेस खत्म करा लें। उनको आवाम से कोई प्यार नहीं है, कोई लाल प्यार मोहब्बत नहीं है इनको आवाम से। गंजे पापी हम पर मुसल्लत की गई अमेरिका के, अमेरिका के कर्जा लेने के लिए उनके पाँव में बैठते हैं और हमें भी भिखारी बनाना चाहते हैं। हम गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने आठवीं सांसों पर इनका, इनकी नजरें हमारे आठवीं सांसों पर है। हम अपने आठवीं सांसों पर इनकी बुरी नजर को नहीं पड़ने देंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी जाने कुर्बान कर देंगे। ये बोला नाबूद हो जाएगा वो, और हमारे एटमी सासों पर जिसकी नजर होगी इंशाल्लाह ताला वो भुगतेगा। ये बाप घास खा लेगी, भूखी रह लेगी, मगर जदीद हुकूमत, जालिम हुकूमत, करप्ट हुकूमत नामंजूर। अच्छा मैडम, एक बात था, आज से अगर 2 महीने हम पहले चले जाए तो एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा किया हुआ था महंगाई मिटाओ मार्च के नाम से, कि 1.5 रुपया पेट्रोल या 3 रुपए पेट्रोल बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत बढ़ गया, तो हुकूमत कहती थी कि ये मौजूदा वजीर आजम इमरान खान चोर है। तो अब जो पेट्रोल की कीमतें आगे हो रही है आए रोज, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे, मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? कैसे अपने बच्चे पढ़ेंगे, कैसे वो आटा घी और तेल का घर लाएंगे, कैसे?
मिले हैं इस दफा ये किसी स्लोगन के साथ, अगली दफा किसी स्लोगन के साथ, तो क्या सारी जिंदगी हमारी कौन के ऊपर इसी तरह से लोग मसले बनाएंगे? या वक्त आ चुका है कि ये चेंज आ जाएगा? इनके पास सारे